जांच एजेंसियां अब एक दूसरे के अधिकारियों को ही घूस लेते हुए पकड़ रही हैं। जांच एजेंसियों में दर्ज मामलों से राहत दिलाने के लिए लोगों से रिश्वत मांगे जा रही है। लो बताओ, अब लोग किस पर भरोसा करें? दूसरों की जांच करने वाली एजेंसियां के ही अधिकारियों पर जांच हो रही है, वही लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं और घूस भी 1-2 लाख की नहीं बल्कि 20-20 लाख की मांगी जा रही है। लेकिन अब रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को रंगे हाथों भी पकड़ लिया गया है, जिसके बाद अब अच्छे से उनकी खातिरदारी भी की जाएगी। दरअसल सीबीआई ने ईडी के एक अधिकारी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधिकारी का नाम संदीप यादव है और वो वही ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात है। जरा सोचिए दोस्तों, ईडी हेडक्वार्टर में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप यादव एक ज्वेलर के बेटे को ईडी में दर्ज मामले में राहत दिलवाने के एवज में उससे रिश्वत ले रहे थे और इन्होंने इस काम को करवाने के लिए 20 लाख रुपए की रकम तय की थी कि 20 लाख रुपए दो और ज्वेलर के बेटे पर जो ईडी में मामला दर्ज है उससे छुटकारा मिल जाएगा। कितने अफसोस की बात है कि दूसरों की जांच करने वाली एजेंसी के अधिकारी घूसखोर हैं, वो लोगों से घूस मांग रहे हैं मामले को रफा दफा करने के लिए। अब कैसे लोग इन पर भरोसा करेंगे? कैसे लोगों को ईडी पर भरोसा होगा कि वो जो जांच कर रही है वो सही है, उसमें कोई घूसखोरी नहीं हो रही है? कैसे लोगों को ईडी पर भरोसा होगा जब हेडक्वार्टर में बैठे असिस्टेंट डायरेक्टर तक रिश्वत ले रहे हैं? वो तो अच्छा हुआ कि सीबीआई ने समय पर जांच कर ली, जाल बिछाकर संदीप यादव को 20 लाख रुपए लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। संदीप यादव को सीबीआई ने दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई आरोपी ईडी अधिकारी को जल्दी ही कोर्ट में पेश भी करेगी। वैसे दोस्तों, अगर सीबीआई ये कार्रवाई नहीं करती, सीबीआई को इसके बारे में पता नहीं चलता, तो ईडी का ये अधिकारी तो 20 लाख रुपए लेकर मजे करता, वो जांच एजेंसी में बैठकर घुसखोरी करता, जो वाकई बेहद अफसोस की बात है। लेकिन अब सीबीआई ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब उस पर जांच भी होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से ईडी दूसरों पे जांच करती है, आरोपियों को पकड़ती है, अगर कहीं गलत हो रहा होता है तो उस इंसान को पकड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई, हमारे देश की जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी पर ही जांच कर रही है, उसके अधिकारी को 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ रही है, जो वाकई अफसोस की बात है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।